जब सरेआम इस एक ड्रेस को अनजान शख्स ने जड़ दिया था पर सामने आई थी यह वजह। बिग बॉस की एक कंटेस्टेंट गौहर खान कल 34 साल की हो गई है। गौहर उस वक्त सुर्खियों में आई जब एक अनजान शख्स ने उन्हें सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल बात 30 नवंबर 2014 की है जब गौहर रियलिटी शो इंडियाज रॉ स्टार के फिनाले की शूटिंग कर रही थी। इसी दौरान मोहम्मद अकील मलिक नाम के शख्स ने सबके सामने उन्हें थप्पड़ मार दिया। उस वक्त ये बात भी सामने आई थी कि उसने पहले उनसे छेड़खानी की और गौहर ने जब इसका विरोध किया तो उसने गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। बाद में गार्ड्स ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस वाकये को लेकर वो काफी सुर्खियों में रही। बता दें, अकील ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने गौहर के कहने पर ही ये सब किया। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर के पहले मैं नहीं जानता था कि गौहर कौन है। मैं एक जूनियर आर्टिस्ट हूं और 2011 से विभिन्न शोज में और दर्शक के तौर पर जाता रहता हूं। घटना के दो दिन पहले इंडियाज रॉ स्टार के सेट पर मैं गौहर से उनके फैन के रूप में मिला। उन्होंने मुझे फिनाले में आने को कहा और बोली कि जब अर्जुन कपूर स्टेज से चले जाएं तब मैं उन्हें थप्पड़ मारूं। मैंने वही किया जो उन्होंने कहा क्योंकि उन्हें पब्लिसिटी चाहिए थी और मुझे इंडस्ट्री में करियर। उन्होंने मुझे वादा किया कि जैसे ही घटना पर विवाद थमेगा वे मुझे जेल से छुड़ा लेंगी, लेकिन बाद में उन्होंने इससे इनकार कर दिया। यही वजह है कि मैंने सच्चाई सबके सामने लाने का फैसला लिया।